ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश, मंजिल को पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज के ढलने के बाद भी एक नया सवेरा होता है। अपने जीवन में आस और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है, कोई ना कोई नया अनुभव देकर जाता है। अगर आप जीवन में हारे हैं तो फिर से शुरुआत करें, क्योंकि अब आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगा, और जीवन का अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। आज तो ऐसा वक्त आ गया है कि जिसके पास पैसा है तभी लोग हाल पूछते हैं, वरना कोई किसी को नहीं पूछता है। लेकिन कभी किसी गरीब को देखकर मुंह मत फेरिए, क्योंकि जिसे आपने अमीर बनाया है उसने ही उसे गरीब भी बनाया है। इसलिए कभी किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। और जो लोग आपके होने को मूल्य को ही ना समझ पाएं, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकते तो वह आपका साथ कभी नहीं दे पाएंगे। और सच्चा सुख वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, सच्चा सुख तो वहाँ है जहाँ इंसान का मन मिले। लेकिन जो इंसान आपकी भावनाओं को समझ ही ना पाए, तो उससे दूरी बना लेना ही उचित है। वक्त तो बदल जाता है, लेकिन इंसान का ये बुरा वक्त उसके लिए एक आईने की तरह है, जो उसे अपने और पराए की पहचान करा कर जाता है। इसलिए जीवन में निराश ना हो, जो हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है, क्योंकि हर काली रात के बाद एक नया सवेरा ज़रूर आता है। तो जीवन में अगर हार मिले तो आप बार बार कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप अगर गिरे तो कोई आपको उठाने नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार उड़ान भरकर देखिए तो आपको गिराने के लिए बहुत से लोग आएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करें, क्योंकि लोग चाहते तो हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। इसलिए आपके रास्ते में आपको आपके मार्ग से भटकाने के लिए बहुत से लोग हैं, जो आपको दुख देकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं। तो जो आपके मूल्य को जानते हैं, आप ऐसे लोगों की कदर करें, ना कि ऐसे लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद कर दें जो आपको कभी खुश देखना ही नहीं चाहते। इसलिए मेहनत करते रहें, ये जीवन है। अच्छे बुरे हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन सही और गलत का फ़ैसला आपको करना है। हर किसी के सामने अपने हृदय की बात कभी नहीं करनी चाहिए। इंसान को परखना सीख लेना चाहिए, क्योंकि आज इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसलिए अगर आप कमज़ोर भी पड़ रहे हैं तो हर किसी के सामने अपनी कमज़ोरी का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि लोग हारे हुए इंसान को बार बार गिराते हैं। और इसलिए खुद पर विश्वास रखें और इंसान को परखना सीखें। जो आपकी भावनाओं की कदर करे, ऐसे ही इंसान के सामने अपने हृदय की बात करें, वरना लोग आपकी कमज़ोरी का मजाक बनाते समय ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर सच्चे लोगों का हमेशा साथ देते हैं। आप अपना कर्म करते रहिए। अगर आप सच्चे हैं तो अपनी सच्चाई को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ फैसले हमें वक्त पर छोड़ देने चाहिए। वक्त ना तो अंधा है ना ही बहरा है, वह सब देख रहा है, और एक दिन आपकी सच्चाई का प्रमाण भी वक्त ही देगा। लेकिन सही वक्त आने पर आप अपने कर्म को करते रहिए, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ दीजिए। बहुत जल्द सब ज़रूर बदलेगा, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। एक दिन आपका वक्त भी ज़रूर बदलेगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।